जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो फीचर्स के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान देते हैं, जिसे सेफ्टी कहा जाता है। सेफ्टी फीचर्स से लैस एक गाड़ी को चलाने में काफी मजा आता है और भारत में बनने वाली गाड़ियों को अब सेफ्टी रेटिंग्स दी जाने लगी है। क्या होती है सेफ्टी रेटिंग्स, कैसे दी जाती है और कहाँ दी जाती है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के ऑटोगिरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य आत्रे। भारत में अब गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स की बारे में बात होने लगी है। कुछ सालों पहले भारत में गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स को लेकर लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन अब बाजार में आने वाली गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स की बात होने लगी है। लोग जब नई गाड़ी खरीदने शोरूम पहुंचते हैं तो गाड़ी के फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी रेटिंग्स की भी जानकारी लेने लगे हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में आधिकारिक तौर पर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी इंडिया एनकैप को लॉन्च किया है। यह नियम 1 अक्टूबर से देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। इंडियन एनकैप के लागू होने के बाद देश में कार बनाने वाली कंपनियां अपनी कारों की सेफ्टी जो रेटिंग है वो दे सकेगी और जो टेस्ट है वो भारत में ही हो सकेगा। वहीं अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत गाड़ियों के लिए क्रैश टेस्ट के लिए एजेंसी का गठन करने वाला पांचवा देश बन गया है। आमतौर पर चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा ऐसा बाजार है गाड़ियों का जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची जाती है। ऐसे में भारत एनकैप जैसी एजेंसी से ना केवल कारों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों में भी सुरक्षित वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ सकेगी। मौजूदा समय में भारतीय कार निर्माताओं को अपनी कारों की सेफ्टी टेस्ट करवाने के लिए बाहर के देशों में जाना पड़ रहा है जहां ग्लोबल एनकैप या लेटिन एनकैप जैसी एजेंसियां कारों का क्रैश टेस्ट करती है। इसी पूरी प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, लेकिन भारत में ही क्रैश टेस्ट शुरू होने से इस खर्च में लाखों रुपए की बचत हो सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एनकैप को लगभग 30 से ज्यादा मॉडल्स का क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए आवेदन मिल चुका है। यानी अब जो भारतीय गाड़ियां हैं वो भारत में ही क्रैश टेस्ट करवा सकेंगी अपनी गाड़ियों का और उसकी रेटिंग जो सेफ्टी रेटिंग है वो जारी हो सकेगा। भारत में जो ये सेफ्टी रेटिंग है कैसे मिलेगी इसको लेकर बात करते हैं। भारत एनकैप में कारों को उसी प्रक्रिया के तहत रेटिंग दी जाएगी जैसे ग्लोबल एनकैप में वाहनों को दी जाती है। हालांकि कुछ मामलों में एनकैप के स्टैंडर्ड ग्लोबल एनकैप से अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप में जो रेटिंग की अगर बात करें उनके क्या कुछ नियम है तो ग्लोबल एनकैप में कारों को 64 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर फ्रंट इंपैक्ट का परीक्षण किया जाता है जिसमें 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करने के लिए कम से कम 34 अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसमें फ्रंट क्रैश टेस्ट के लिए 16 अंक, साइड जो इंपैक्ट है उसके लिए 16 अंक और सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए 2 अंक शामिल है। जबकि भारतीय एनकैप जो शुरू होने वाला है इसकी बात करें तो 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए एक वाहन को एडल्ट सेफ्टी में कम से कम 27 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 41 अंक पाना आवश्यक होगा। देखिए, जो सुरक्षा की बात अगर कारों में की जाती है तो आमतौर पर एडल्ट जो वाहन जो चलाता है ड्राइवर या उसका को पैसेंजर होता है उसमें उसकी उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं जो पीछे बैठते हैं अब उनके लिए भी गाड़ी सुरक्षित है या नहीं इसे लेकर भी जो जो रैंकिंग है जो अंक है वो जारी किए जाएंगे। भारत एनकैप के लिए फ्रंट कैश टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा, यानी गाड़ी को तकरीबन 60 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, जिसके बाद साइड और पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए किए जाएंगे जो कि ग्लोबल एनसीएपी जो एनकैप है उसके लगभग इक्वल होने वाला है। देखिए, अब बात करेंगे भारत में क्रैश टेस्टिंग की रेटिंग कौन जारी करेगा, आखिर जो सरकार है उस किसे जिम्मा दिया है कि वो जो क्रैश टेस्टिंग है भारत में उसको लेकर जो है रेटिंग जारी करेगा। इसके लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARI भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए क्रैश टेस्ट एजेंसी के तौर पर काम करेगी।
एआरएआई ने सभी पैरामीटर्स के अनुसार वाहनों का क्रैश टेस्ट के लिए कमर कस ली है और पुणे और चाकन में पूरी तरह से एक अत्याधुनिक तकनीकी से एक लैब तैयार की गई है जहां इन गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट है वो किया जाएगा। भारत एनकैप में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी रेटिंग देने की व्यवस्था की गई है। भारत एनकैप मापदंड सीएनजी और ईवी के प्रदर्शन के आधार पर परीक्षण और रेटिंग के लिए भी लागू होंगे। ग्लोबल एनकैप के विपरीत भारत एनकैप वयस्कों और बच्चों के लिए जो क्रैश टेस्ट के परिणाम है एक साथ मिलाकर उसके बाद जो है वाहनों का जो रेटिंग है वो यहाँ पर प्रदान करेगी। क्रैश टेस्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई कोई सवाल है, किसी तरह की और चीजें आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, वहां आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। फिलहाल द नगरी न्यूज में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।